आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है लेविय व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय वचन 1 से 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना, पर 7वें दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूला हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो। वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घ हीन भर की चौथाई दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी खाना और न भुना हुआ अन्न और न हरी बाले। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे।